इस भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ हमें खुद अपने और अपने अपनों के लिए वक्त नहीं है, वहाँ किसी दूसरे के लिए वक्त निकाल पाना वाकई बहुत मुश्किल है। आज मेरे साथ यहाँ पर जो मौजूद हैं वो है एक समाज सेविका जो न सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रही हैं बल्कि निभा रही है आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की भी जिम्मेदारी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। जो सुषमा चौधरी जी आज जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखती हैं जो व्यापारिक घराना है, प्रतिभा सिंटेक्स से आती हैं मैडम, लेकिन उसके बावजूद समाज सेवा से जुड़ी हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप एक व्यापारिक बैकग्राउंड से हैं, फिर समाज सेवा के बारे में आपने कैसे सोचा? मेरे दादाजी, बचपन से मैंने अपने दादाजी को बाऊजी को समाज सेवा की तरह मतलब तत्पर होते हुए देखा है, तो ये मेरे को बहुत अंदर तक प्रसन्नता होती थी कि वो ऐसा काम करते हैं। फिर मेरे साथ एक जो हमारे यहाँ काम करता था उसकी ही लड़की मेरे साथ जो पढ़ती थी उसको मैं पढ़ाती भी थी, उसकी सहायता भी करती थी, उसके साथ खेलती थी, उससे मेरे को असीम मतलब खुशी मिलती थी, प्रसन्नता होती थी कि मैं उसके साथ, बल्कि मेरे को इतना औरों के साथ नहीं मतलब महसूस होता था जितना उसके साथ मिलके अच्छा लगता था। फिर जब मैं अपने ससुराल पक्ष चौधरी परिवार में गई तो वहाँ भी समाज सेवा के प्रति वो लोग बहुत महत्व देते थे। तो उससे मेरे को आंतरिक शांति मिली कि चलो ये भी परिवार मेरे को ऐसा मिल गया। फिर हमारे जो गाँव में बहल है उसमें भी हमने स्कूल खोला, हमारे परिवार ने प्राइमरी स्कूल किया, फिर हायर सेकेंडरी किया, फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज तक भी हम पहुँच गए। वहाँ पर सब अभी भी वो चल रहा है अच्छे से, और उस क्षेत्र का नाम भी अब विद्याग्राम पड़ गया है। बहुत बहल को, बहल में जो क्षेत्र जहाँ पर है उसको विद्याग्राम बोलने लगे लोग भी। विद्याग्राम एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी। वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग गया? आप करीब 25 साल तो लग ही गए। 25 सालों का एक लंबा सफर। आपने कहा कि अभी आपने बताया कि आप बचपन से ही ये सब देखती आ रही हैं, करती आ रही हैं, तो आपको खुशी मिलती है। सुषमा जी, जब आप अपने घर से अपने ससुराल पहुंची और आपने पहली बार ये सब करने के बारे में सोचा होगा, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ क्या आपके लिए रुकावट बनी? नहीं, रुकावट नहीं बनी पारी, मतलब मैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ती थी। परिवार भी मेरी अहमियत थी, बच्चे भी अहमियत थे, उनको देखना, माँ बाबू जी को देखना, अतिथियों को देखना, ये सब मतलब करते हुए मैं आगे मतलब बच्चों को भी, जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं इसमें पूर्ण रूप से जुड़ गई। अच्छा, पहले आप कुछ समय देती थी? कुछ समय देती थी, पूरा नहीं देती थी। आपने कभी नहीं सोचा कि क्यों ना आप प्रतिभा सिंटेक्स ही ज्वाइन कर लें, अपने हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन कर लें और दुगना फायदा होगा उससे? नहीं, मैंने नहीं कभी सोचा, क्योंकि मेरे लिए अहमियत था, मेरा परिवार ही था, फिर मेरे बच्चे थे, 3 बच्चे हुए, जैसे उनको देखना करना, सब माँ बाबू जी को देखना, परिवार में मेहमान भी आते थे, पर क्या कहते हैं ना, पितृ देवो भव अतिथि देवो भव, तो ये ही मेरी आंतरिक इच्छा रही है। पर बाद में जब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने समाज की तरफ ही थोड़ा रुझान हो गया, लक्ष्य हो गया। सुषमा जी, आपने अभी कहा कि आपके लिए समाज बाद में आया, मतलब पहले से आप कर रही थी, लेकिन जब आपको लगा कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपने समाज को पूरा समय देना शुरुआत की। कभी ऐसा हुआ कि परिवार और समाज में तालमेल बिठाने में आपको दिक्कत आई हो कि अभी घर में ये काम है लेकिन अब क्योंकि आप आदिवासी छात्रों के लिए काम कर रही हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रही हैं, तो वहाँ भी कुछ ज़रूरी काम है, अब दोनों में से क्या चुने? तो जो वो प्रायोरिटी हो, मतलब कभी लगा कि वो ज़्यादा जरूरी है तो समाज की तरफ चलेगी, पर जहाँ लगे कि बहुत आवश्यकता पहले घर के लिए है तो उसको थोड़ा सा साइड लाइन कर मतलब रोक दिया, फिर अगले दिन या एक दो दिन बाद चलेगी, ऐसे मतलब करती थी। समाज सेवा के बारे में जब भी कोई ख्याल आता है और बहुत लोग करते भी हैं तो पहला ख्याल आता है कि हमारे घर में जो काम वाली बाइयाँ आ रही है उनके बच्चों को चलिए फ्री में ट्यूशन्स दे देते हैं या फ्री में कपड़े बांटना, कंबल बांटना, यहाँ तक ठीक है। एक आदिवासी क्षेत्र में जाके आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में सोचना जिस और किसी का भी शायद ध्यान ही नहीं जाता है, इतनी दूर तक की सोच आपने एक गृहिणी होकर कैसे रखी? मैं मेरे मतलब पति की मतलब उसकी से क्या कहें प्रेरणा से मैं वन यात्रा गई, मतलब एकल विद्यालय का अभियान है तो उसके अंडर में काम करते हुए मैं वन यात्रा के लिए गई, तो वहाँ पर देखा कि आदिवासी बच्चे मतलब बहुत ही जो कि जिनको कुछ भी नहीं आता था
वो मतलब वहाँ पर नाटक खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे रहे हैं हैं, और ये क्या कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं, गिनती बोल रहे हैं, खेल खेल में सब सीख लेते हैं और कल्पनाओं से अपनी ड्राइंग भी बनाते हैं। बनाते तो उनको देख के मेरे को भी लगा कि मतलब कितना अच्छा कर रहे थे, हमको और आगे इनको बढ़ाना बढ़ा सकते इन चाहिए प्रतिभाओं को और और मौके देना मौके चाहिए। देना चाहिए। और साथ में जैसे उनके घर की महिलाएं हैं, उन्होंने इतने मन से मनुहार किया, हमारे इतनी सीमित आय में भी हमको भोजन कराया, मन से कराया, और बोले कि दोबारा आना दीदी, तो वो मन को छू गया, छू गया, तो लगा कि उनकी हाँ सादगी ने आपको वहां बार बार जाने के लिए जाने मजबूर के कर मजबूर दिया। कर दिया, तो इस बहाने पे जाने लगी। एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं सुषमा जी, आदिवासी क्षेत्र जो आदिवासी तबके होते हैं, हम जानते हैं कि वो बहुत जिद्दी लोग होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो ये जो हमारा एकल अभियान है, इसमें होता है कि हम मतलब वॉलेंटियर्स होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है ऑल ओवर इंडिया, तो वहाँ उनके साथ ही हम मिलके कार्यकर्ता है बोलते हैं उनके साथ जाते हैं वहाँ पर से। पर वहाँ जाके हमने देखा कि सड़कें भी खराब है, बिजली का भी अभाव है, तब भी वो और काम भी वो बहुत करते हैं, तो लगा उनके लिए हमको शिक्षा के लिए करना करना चाहिए, चाहिए। तो नहीं तो वो शिक्षा नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसलिए फिर उनको समझाया गया, किया गया कि कैसे शिक्षा का महत्व है, फिर एक मतलब वहीं का अध्यापक लेना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर भाषा का भी भाषा हमको का बहुत अंतर है, अंतर है, तो वहाँ का ही जो व्यक्ति होगा वही वहाँ का आचार्य पढ़ा बनता सकता है, और एक आचार्य 30 बच्चों को पढ़ाता है, और समय भी वहाँ के बच्चों के अनुसार ही रखना पड़ता है। रखना पड़ता है, और जगह भी नहीं होती, स्थान भी नहीं मिलता, तो पेड़ के नीचे भी विद्यालय लगता है, और वहां भी शिक्षा दी वहाँ जाती है, वही शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कार दिया जाता है, आरोग्य। उनके उन बच्चों को पास फेल कैसे किया जाता है, जो जिनके पास कम समय है, आप एक साल में कितना पढ़ा पाते हैं, कैसे उनको कक्षाओं में अव्वल या बांटे जाते हैं, या नॉर्मल जैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम में वैसा ही होता है। नहीं, वो धीरे धीरे के वो स्कूल प्राइमरी तक है, प्राइमरी तक होता है, उसके बाद उन बच्चों को आगे सरकारी स्कूल में भेजा जाता भेजा है जाता है। वहाँ से, और कई बच्चे तो वहाँ से IIM भी किया हुआ है, फौज में भी गए हुए हैं, सिपाही भी बने हैं, तो सब बच्चे आगे भी बढ़ते बढ़ते हैं। हैं तो ये देखकर तो आपको बहुत खुशी होती होगी कि यहाँ के बच्चे जिन्हें हम जिनकी नींव हमने रखी है, वो बच्चे आगे जाकर IIM में पढ़ रहे हैं या हाँ, जो सेना में काम कर सेना रहे में हैं। काम कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा लगता ही है, बहुत प्रसन्नता होती है, और मन में मतलब आंतरिक उत्साह बढ़ता है और प्रेरणा मिलती है कि कुछ करें। इस पूरे सफर में, समाज सेवा का सफर, ये बच्चों को एजुकेट करने का सफर, इस पूरे सफर में वो एक कौन सी चीज थी जिसने आपका उत्साह बढ़ाया हो, या फिर जिससे आपने कुछ बहुत सीखा हो जिंदगी के लिए? वो तो हम जैसे मैं जब वन यात्रा गई थी तो वहाँ बच्चों को देखा कि कैसे वो बढ़ रहे हैं, तो वही एक मेन उनके यादगार मेरे लिए बना, और वहाँ पर मतलब उनकी महिलाओं को भी देखा, और मेरे पति देव जो उन्होंने मतलब गरीब बच्चे को अपनी बचत से उन्होंने फीस दी, और वो छात्र आज डॉक्टर बन गया, मतलब वो फीस नहीं दे पा रहा था पर मेरे मतलब पति ने, हस्बैंड ने दी, तो उसी से वो डॉक्टर ने डॉक्टर वही बना, और ऐसे आश्रम ही वो आज और भी सबका करते रहते हैं, कर गुरुकुल से भी जुड़े हुए हैं, आश्रमों से भी जुड़े, और एकल विद्यालय के वो फाउंडर प्रेजिडेंट रहे हुए रहे हैं इंदौर चैप्टर हैं। के, और आज संरक्षक है, तो वो उनकी ही प्रेरणा से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती गई। गई। समाज सेवा के साथ घर मैनेज आप मुश्किल से कर पाती होंगी, जैसे हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब आप इस उम्र के इस पड़ाव पर हैं जहां आकर महिलाएं सोचती है चलो अब तो बाल बच्चे सब संभालेंगे, अब तो मेरे आराम के दिन आए हैं, इस समय आप इतनी एक्टिव हैं और समाज सेवा करती हैं, क्या वो एक चीज रही जो आपको बार बार प्रेरणा देती है ये सब करने के लिए? प्रेरणा तो यही है कि जो हम तन मन धन से जिस काम से जुड़ते हैं तो सक्रिय होते हैं, तो उसमें ईश्वर भी हमको शक्ति देता है, ईश्वर मतलब शक्ति, तो उसको हम मैनेज करना भी सीख जाते सीख हैं, जाते हैं। तो मैनेज करके भी परिवार को भी मैनेज करना होता है और समाज को भी, तो आगे बढ़ते और वो जाते हैं बच्चों की हंसी और खुशी, उनका आगे बढ़ना, उनका, वो उनको तो देख के मन और उत्साह से मतलब बहुत खुश हो जाता है, और हम आगे बढ़ते ही रहते हैं, लगता है हमको यहाँ और कुछ करना चाहिए। मतलब आपके आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं वो बच्चे भी जिम्मेदार हैं, जो आपको जिनको आपकी प्रेरणा से जो आगे बढ़ जो रहे आगे हैं। बढ़े हैं, और फिर साथ में जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता होते हैं वो भी हमको इतना रेस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और आके घर में मिलते हैं, मतलब होते वो मतलब एकदम गांव के ही हैं, पर वो धीरे धीरे मतलब बढ़ के पूर्णकालीन हो जाते हैं, और वो मतलब वहाँ पर हमको आके हमसे मिलते हैं, मिलते हमको मतलब हैं, रेस्पेक्ट, तो वो भी एक अंदर से खुशी देता खुशी है, होती है कि हमने हाँ किसी के लिए कुछ 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 किया है। किया, समाज के लिए कुछ करने की खुशी क्या होती है? मतलब उसके आगे तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते, वो एक कहेंगे ना आंतरिक खुशी, मतलब अद्वितीय प्रसन्नता किसी भी चीज से, किसी भी उपहार से बड़ा है वो। बड़ा है।
तो कोई एक ऐसी चीज है जो आप हमारे समाज को कहना चाहेंगे शिक्षा के लिए या किसी और बारे में, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे आप drupal.com से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा ही सबसे बड़ा दान है और मनुष्य ही है जो वो शिक्षित हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो अगर हम शिक्षा देंगे तो आगे भी हमको हो सकता है अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में मिलेगा। और ऐसा तो मेरे पतिदेव हमेशा बोलते ही रहते हैं, चौधरी जी, शिव कुमार जी चौधरी, वो हमेशा इस चीज़ के लिए बोलते रहते हैं कि शिक्षा ही बड़ा दान है। और हम भी सोचते हैं कि शिक्षा, कहेंगे ना, विनम्रता भी शिक्षा से ही आती है। विनम्रता भी शिक्षा से ही आती है, सही बात है। सुषमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा दान है, इसलिए हर मनुष्य को शिक्षा का अधिकार है। तो अगर आपके आसपास कोई शिक्षित नहीं है तो उसे शिक्षित होने के लिए आप भी प्रेरित कर सकते हैं। अभी drupal.com पर इतना ही, बाकी खबरों के पीछे की हकीकत जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।